एक फीमेल जो होती है उसके पूरे लाइफ टाइम में ये दौर आता है जब वो 34 से 38 के बीच में होती है, वो पिक पे होती है, जब वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा सेक्सुअल फील करती है, ज़्यादा हॉर्नी है कह दो या कुछ भी। शादी हो गई मान लीजिए 30-35 की उम्र में और उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे सेचुरेशन आ रहा है, और वाइफ की उम्र और उसके हार्मोन्स के हिसाब से तो वहाँ पे जान ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा धमाल होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं यार सर इसको पता नहीं अब क्या हो गया यार, ये अलग ही फॉर्म में रहती है। आप समझ रहे हैं, पहले तो इतना नहीं करती थी, आजकल इसको यही सब दिखता है, पता नहीं क्या देखती है दिन भर फ़ोन में या क्या कर रही है। अब हमें नहीं पता कि यार वो उसकी उम्र है, इसलिए आप देखना कि एक फ़ीमेल की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर इस वजह से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इनिशिएट होंगे तो जाहिर तौर पर वो उसी उम्र के कहीं की आसपास की लेडी है, तभी वो तो कहीं ना कहीं मजबूर है या फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनक्रेज हो जाती है या उसके हार्मोन्स को पुश करते हैं कि वो ये सब चीज़ें सोच रही है और उस तरह से भी लोगों को देख रही है जहाँ पर उसकी